उधर दीजिए। 1919 ठीक कहा सुने ठीक सबों को धन्यवाद। हम लोग सही मार्ग सही राह पकड़ने में सकते हैं हमारे मासी ही क्यों नहीं।
इसलिए विशेष माता पिताओं को धर्म माता पिता को ये मेरा आग्रह है, मेरा ये वादा है कि अपना बेटा बेटियों को खैर आज के दिन आने वाले दिन में भी उनके लिए अच्छे से हम मार्ग कर पाने और बच्चों को अच्छा से अच्छा रास्ता दिखाएं तक उस मंजिल तक बच्चे पहुंच सके, जो कि हमारे लिए मसीह यीशु जो मंजिल पाने है और उसको हम लोग पालन कर सीखें। यही माता पिता विशेष मेरा तरफ से आग्रह है। इस बार हम लोग देखते हैं कि आज इंतजार में है, हम लोग जानना चाहते हैं कि कौन क्या क्या है चैंपियन। इनाम तो मिल गया सबको, 29 स्टूडेंट विद्यार्थी सबको इनाम मिल गया है। अभी चैंपियनशिप इनाम को हम लोग देखते हैं। फिर भी का हुआ तो वचन में कहता है दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं इनाम एक भेज जाता है, इनाम एक भेज जाती है। आइए हम लोग उस इनाम को अभी सुनेंगे। पहला स्थान अधिकार किया है, पहला स्थान से हम लोग सुनेंगे अनुपाकलय तो इस नाम हम लोग प्राइज को भी देते जाएंगे। इसी प्राइज को हमारे वरिष्ठ चेयरमैन या मास्टर चेयरमैन के हाथों के पास उपहार दिया जाएगा। उसी तरह दूसरा स्थान अधिकार किए हम लोग सुनेंगे। दूसरा में एशियन अमर लकड़ा, एक्सप्रेस एशियन अमर लकड़ा रजनपुर मंडी। और इसी उपहार को हम लोग मंडली सचिव महोदय मौजूदा है, पास्टर सचिव महोदय के द्वारा से भेजे। उसी तरह हम तीसरा स्थान को देखेंगे प्रिंस मुनरेन भोरो, तीसरा स्थान अधिकार किए हैं। इनका प्राइस हम लोग पांचवे प्रेजेंट के द्वारा से अर्पण किया जाएगा। कृपया सरकार है तीसरा स्थान रजनपुर मंडली, दूसरा स्थान रजनपुर मंडली, पहला स्थान जवरा मंडल मंडली। आलिया तो यहाँ पे उपस्थित सभी मसीह समूह और विश्वासी लोगों को हमारे गिरिकरण अभिलाषियों की तरफ से आप सभी को ये सुसहाय। तो पहले हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारा बात को रखेंगे। परमेश्वर ने हम सभी को यहाँ पे पहुँचाया, यहाँ पे एकत्रित किया, इसके लिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आदरणीय रेवरेंड अशियन बुल हमारे पास्टोरेट और चेयरमैन, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मंडली चेयरमैन रेवरेंड विशाल कनोना सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे असिस्टेंट मंडली चेयरमैन कनिता जुनून कनोना को सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे प्रचारक और हमारे टीचर्स, हमारे प्रचारक सर सुनील बागे, हमारे प्रचारक सर पी एस भेंगरा, हमारे प्रचारक विनोद गुड़िया और हमारे प्रचारक कंडिता सलमान बिलोंग, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे पास्टोरेट काउंसिल के जितने भी अधिकारी
और यहाँ उपस्थित माँ पिता और बच्चे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम जैस्मिन रुपन है और मैं कांसबहार कॉलोनी मंडी से हूँ। गोस्नर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च की ओर से मैं आप सभी का इस पवित्र दीक्षांत समारोह में शामिल होने के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध रहा है और हमें विश्वास है कि इस पवित्र अनुष्ठान ने हमारा विश्वास और भी गहरा कर दिया है। सबसे पहले हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस पवित्र अवसर पर एकत्रित होने का अवसर असीम अनुग्रह और प्रेम के लिए हम सब सदैव कृतज्ञ हैं। विशेष धन्यवाद रेवरेंड अशीम गुण और रेवरेंड विशाल कंडुल्ला, कैंडिडेट जुनू कंडुल्ला, प्रचारक सुनील बागे, विनोद बुढ़िया, पीएस भेंडरा जिन्होंने इस पवित्र समारोह को संचालन किया, उपदेश और मार्गदर्शन ने हमें प्रेरित किया और हमारे आध्यात्मिक पथ को प्रकाशित किया। आपके समर्पण के लिए हम दिल से आभारी हैं। उन सभी स्वयं सेवक और आयोजकों को धन्यवाद जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपकी कड़ी मेहनत और संपन्न बिना ये सब संभव नहीं हो पाता। अंत में उन सभी को धन्यवाद जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और इस पवित्र अनुष्ठान में भाग लिया। आपकी उपस्थिति हमारे समुदाय की शक्ति और एकता का प्रमाण है। जैसे हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं, आइए हम इस पवित्र दीक्षांत के आशीर्वाद को अपने दैनिक जीवन में लेकर चलें और ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह को हर जगह फैलाएं। आप सभी को फिर से धन्यवाद और यीशु सहाय। दोनों विद्यार्थियों को हम अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताए हैं, हम सभी लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिए इस कार्यक्रम में उपस्थित देने के लिए और विशेष करके हम शिक्षकों को अधिक अधिक धन्यवाद देते हैं। ये लोग हालांकि हम लोग धन्यवाद के पात्र तो नहीं है और उनके लिए धन्यवाद के पात्र तो हरा माता पिता है, माता पिता है जिन्होंने बचपन से उन्होंने पाला पोसा, पढ़ाया है, ज्ञान दिया है। इसलिए धन्यवाद के पात्र तो हरा माता पिता है और माता पिता है। आज के इस विशेष अवसर पर हमारे जितने माननीय चर्च के गौरवित कर रहे और जितने हमारे बच्चे हैं जो आज हमारे बीच में जो सफेद ड्रेस में नजर आते हैं, जो आज के बाद अपने साथ साथ हमारे मंत्री हमारे भविष्य के भार को भी उठाने के लिए तैयार हैं और उनको यहाँ तक ले आने के लिए सभी माता पिता और धर्म माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारे कलिश्य के लिए आज 29 योग्य बच्चों को तैयार करके हमारे कलिश्य को समर्पित किया और साथ ही साथ हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं भूला और वो मंडली हमारी मंडली के लिए हमारी इस मंडली के इस चर्च के उपयोग के लिए तो पंखा दान दिया है। इसलिए मंडली की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और उनको शुभकामना देते हैं। साथ ही उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, उनका जो जीवन होगा आने वाला वो मंडली और कलिश्य के लिए समर्पित होगा, वो आशीषित होंगे और उनका भविष्य जो होगा उज्जवल होगा। साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद सबको इससे